अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। चिकन मलाई बोटी सभी की फेवरेट होती है, तो आज मैं अपने किचन में चिकन मलाई बोटी तैयार कर रही हूँ और इस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही आसान करके बताऊँगी। दो तरह की मैरिनेशन हम तैयार करेंगे और फिर उसको स्केवर्स पे लगाकर हम पैन में ही फ्राई करेंगे। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चिकन बोनलेस हम लेंगे 250 ग्राम्स और बिल्कुल मीडियम साइज़ के पीसेस उसके हम कट करेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन है ये, जिसमें हम सॉल्ट 1 टीस्पून डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिलीज और धनिया लीव्स का पेस्ट बनाएंगे हम, जो कि हम 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे, जो कि है हमारे पास 1 टेबलस्पून। ये फर्स्ट मैरिनेशन है, 3-4 चीज़ें डाल के हमने इसको सिर्फ 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन करनी है। जब तक ये 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होगी, हम एक और मैरिनेशन बनाएंगे, जिसमें कि हमने दही और क्रीम का इस्तेमाल करना है। दही हम लेंगे तकरीबन 1/4 कप, साथ ही क्रीम भी हम ले लेंगे टेबलस्पून, सॉल्ट हम लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून है और साथ ही वाइट पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून और इसका हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो क्रीम और योगर्ट का कॉम्बिनेशन है, इससे बहुत ही अच्छा सा वाइट सॉस तैयार होगा। अब जो कि हमने आधे घंटे के लिए चिकन रखी थी, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और 30 मिनट्स मज़ीद हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसको भी 30 मिनट्स के लिए रख देंगे और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको स्टिक्स के ऊपर या स्कीवर्स के ऊपर हम इसको लगा देंगे। 3 पीसेस आप एक स्टिक के ऊपर आराम से लगा सकते हैं और इसको आप लगा लगा के एक साइड पर रखते जाएं। ये जो बची हुई मैरिनेशन है, इसको आपने ज़ाया नहीं करनी है, इसमें हम बाद में चिकन और मैरिनेट कर सकते हैं। अब हम जब तक एक सॉस बनाते हैं, वाइट सॉस, जिसमें हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, टेबलस्पून इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दें 1 मिनट के लिए। अब आपने इसमें मिल्क ऐड कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और देखें कि जब एक थिक सा पेस्ट बन जाए, तो तकरीबन 1 कप मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है। काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दें, थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर दें, थोड़ा सा चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि जब तक अच्छे से थिक किस्म का सॉस बन जाएगा, तो फिर आप इसका चूल्हा बंद कर दें। हमारा वाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब हमने एक साइड पर रख देना है। अब आते हैं हम अपनी जो चिकन है उसकी फ्राइंग के लिए। थोड़ा सा ऑयल आपने शैलो फ्राइंग के लिए डालना है पैन में और साथ ही सारी स्टिक्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको चारों तरफ से पकाना है सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए और आंच आपने कम नहीं करनी अभी। जब इसके ऊपर थोड़े ब्राउन से मार्क्स आ जाएं, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको कवर कर देना है। अब कवर करके आपने 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है इसको, जिसमें कि चिकन बिल्कुल अच्छी से गल जाएगी। और ये हमारी चिकन गल चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड करना है। मेरे पास मोज़रेला चीज़ था घर में, तो मैंने वो ऐड कर दिया ऊपर। आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद जो हमने वाइट सॉस प्रिपेयर किया था, वो भी इसमें डाल देंगे हम। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स मैं स्प्रिंकल कर दूँगी इस पर।
इतनी बहुत ही मज़ेदार से जूसी से हमारी जो चिकन है वो तैयार हो चुकी है। और उम्मीद है आपको ये मलाई रोटी पसंद आई होगी। आप चाहें तो इसको रोल्स के अंदर भी आप फिल करके वो बच्चों को दे सकते हैं। इसे बहुत आराम से पराठा रोल बन सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।